भरोसे योग नहीं होता एग्जिट पोल। श्रोमणी अकाली दल और भाजपा अपने दम पर बनाएगी सरकार, सुखबीर बादल ने कहा। वोटों की गिनती होने में एक दिन बाकी बचा है। इसी दौरान सुखबीर बादल का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल झूठा है, उन्हें इस एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली बार एग्जिट पोल पर आम आदमी पार्टी को 100 सीटें मिलने की ओपिनियन मिला था, परंतु उन्हें 20 सीटें आईं। उन्होंने एग्जिट पोल पर बोलते हुए कहा कि ये एग्जिट पोल सिस्टम बैन होना चाहिए, ओपिनियन पोल बंद होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अब सरकारें फाइनेंशियल पावर लेकर सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके मीडिया द्वारा पेड ओपिनियन करवा कर इन्फोर्स करना चाहती है। उन्होंने कहा कि शिरोमणी अकाली दल व भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी, उनकी सरकार भारी बहुमत से बनेगी, कांग्रेस का इस बार सफाया होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बार 20 से कम सीटें मिलेंगी। इसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री चन्नी पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, वोटें पड़ गई हैं, अब ड्रामे करना बंद करें। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी हार मान ली है, जिसके चलते वह जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और इनकी इसमें रुचि नहीं है। इसके अलावा अंत में उन्होंने कहा कि मजीठिया पर झूठा पर्चा दर्ज हुआ है, जिसके लिए वह अंत तक लड़ते रहेंगे। आए परमात्मा मेहर कर, श्रोमणी अकाली दल पंथ पंजाब दी जथेबंदी है, पंजाबियों की आवाज़ है। परमात्मा सेवा करने का मौका देन। ते जिवें पहले सरकारां दौरान पंजाब तरक्की हुई, परमात्मा आशीर्वाद देन, असी हो तो वध पंजाब नूं अगे लैके जाईए। जिहड़े एग्जिट पोल है, मैनूं लगता किसे भी पंजाबी नूं पुछ लो, किसे नूं यकीन नहीं है। पिछली बार भी आम आदमी नूं 100 दिंदे सी, 20 आईआं। सो इस करके आ जिहड़े एग्जिट पोल है, तुसीं हुणी ममता बैनर्जी दा इलैक्शन होया सी, मैनूं लगता उहनूं 100 भी सीटां नहीं दिंदे सी, आईआं 200 दिसदे। कांग अपने बीजेपी नूं मजोरिटी दिंदे सी, उहनां दी 60 आ गईआं। सो जिहड़ा सिस्टम एग्जिट पोल दा, आ मैनूं लगता बैन होना चाहिए। एक तां एग्जिट पोल बैन होने चाहिए, एक इहनां दे जिहड़े पहले पोल हुंदे आ ओपीनियन पोल, क्योंकि इलैक्शन कमीशन हर चीज़ मॉनिटर कर रहा है कि किसी वोटर ने इन्फ्लुएंस ना किया जाए। पर हुण सरकारां अपना फाइनैंशियल पावर लैके सरकारी पैसे नूं वरत के मीडिया राहीं ओपीनियन पोल करा के, पेड ओपीनियन पोल करा के इन्फ्लुएंस करना चाहुंदी है। जिहड़ा इस इलैक्शन च देखिया, बहुत वड्डे पद्धर ते बहुत अपने आम आदमी पार्टी ने किया। क्रेडिबिलिटी हौली हौली तुसीं देखियो, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। हुण भी लोकी कोई क्रेडिबल सोचते नहीं है, हुण इन्ना सीरियसली लैंदे नहीं है। ओरिजिनली पहले जो कई साल पहले जो होए सी, उदों किरां किरां क्रेडिबिलिटी सोच रहे सी, उहदे बाद खत्म हो गई। सर एक होर चीज़ है कि हुण आखिरी दिन है इलैक्शन दा, आखिरी दिन दा काउंटिंग दा, अगर कितें कोई चांस इदां दे बंदे आ कि टाइप कीता जाए किसे पास। नहीं, हले 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 दसा, श्रोमणी अकाली दल BSP अपने दम ते सरकार बनाऊगी। ਸਾਡੀ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 16-17 ਪਲੱਸ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਫਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। मैं चन्नी साहब नूं बेनती करना है, वोटां पै गईआं, जो ड्रामे करने बंद करो। जिहड़ा तुसीं कम करना है, एक दो दिन जिहड़े दुद्ध चोरे, मैं हुण जिहड़ा कम कर लगे है, हुण वोटां पै गईआं, शायद उहनूं पता ही नहीं वोटां पै गईआं। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਦੋ ਦਿਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ,
एक एडवांस डेलीगेशन ऑफिसर भी अपने जिन्हें नाल दी देश है वो यूक्रेन के नाल उत्थे भेजने चाहिए सी अपने लाइजन ऑफिसर्स जेड़े उत्थे कोऑर्डिनेट करन पर इत्थे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कांग्रेस कांग्रेस सी कांग्रेस हार मन के चुकी हार चुकी है तो इस करके उन्होंने इंटरेस्ट ही कोई नहीं रहा सरकार बनने तो बाद एजुकेशन लैके नवी सरकार मैं उ कह रहा है साडा मेन एजेंडा एजुकेशन का है परमात्मा मेहर कर मौका दें तो जिहड़ा स्कूल एजुकेशन है सरकारी स्कूल एजुकेशन सिस्टम एडे वड्डे लेवल ते करांगे कि पूरे देश विच एग्जाम्पल सैट होगा रूरल डिवेलपमेंट ते पंचायत विभाग एक जॉब स्कैम सामने आया जिथे 100 मुलाजमां दी डिग्रियां फेक पाईआं मैं वी कह रहा कि पिछली बार जिहड़े अस कांग्रेस सरकार च बहुत वड्डे वड्डे स्कैम होए है और नौकरियां दे भी स्कैम होए है स्कॉलरशिप दीआं स्कैम होए है ताइयो तुसीं देखिया पंजाब दी जनता ने उन्हां नूं बिल्कुल निकाल दिया विक्रम जीतेंद्र परचा होया उहदे ते की कहना चाहोगे क्योंकि कल असीं पहले भी कहा सी बड़ा क्लियर झूठा परचा है पोलिटिकल वंडेटा का परचा है असी लीगल बैटल असी लड़ रहे हैं ते लड़ांगे।